नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें मौजूदा दौर के डेथ ओवर के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहा जाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच का मैच रोमांचक मोड पर था। मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर झुका हुआ था, लेकिन मुंबई इंडियंस के इस बॉलर ने संयम और धैर्य से काम लिया और बेंगलोर के लिए पहुंच में लग रहे लक्ष्य को बहुत दूर कर दिया। एक मैच जिसमें बेंगलोर की टीम 9 के रन रेट से रन बना रही थी, उसमें बुमराह ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही बेंगलोर की टीम 14वें ओवर में 2 विकेट खोकर 116 रन बनाकर मजबूत नजर आ रही थी। क्रीज पर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स मौजूद थे, लेकिन इस वक्त पर बुमराह ने चीकू भैया को आउट कर अपनी टीम को अहम विकेट दिलवाया। कोहली ने 32 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली। इस बीच उन्होंने IPL में अपने 5000 रन भी पूरे कर लिए। बुमराह ने इसके बाद 70वां और 19वां ओवर फेंका। 16वें ओवर में एबी डिविलियर्स ने 20 रन बटोरे थे। इसके बाद 4 ओवरों में 41 रनों की जरूरत थी। T20 क्रिकेट में इस लक्ष्य को बहुत बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन यहां बुमराह ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने इस ओवर में न सिर्फ हेटमायर का विकेट लिया बल्कि सिर्फ 1 रन दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर डिविलियर्स ने अपनी 29वीं IPL हाई सेंचुरी तो पूरी की, लेकिन अगली 4 गेंदों पर कोलिन डी ग्रामहोम कोई रन नहीं बना पाए। अगला ओवर करने हार्दिक पांड्या आए। डिविलियर्स ने पिछले ओवर की कसर पांड्या के ओवर में निकाली और 18 रन बटोरे। अब 2 ओवर में 22 रन चाहिए थे। कप्तान रोहित शर्मा दुविधा में थे कि वह अपने बेस्ट बॉलर से यह ओवर करवाए और आखिरी ओवर के लिए रिस्क ले या फिर आखिरी ओवर बुमराह से करवाया जाए। उन्होंने पहला विकल्प चुना, बुमराह खरे उतरे। इस ओवर में उन्होंने कोलिन डी ग्रेनहोम का विकेट लिया और सिर्फ 5 रन दिया। आखिरी ओवर में बेंगलोर को 17 रन चाहिए थे। शिवम दुबे ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन बेंगलोर की टीम जीत से 6 रन दूर रह गई।